हेलो बच्चों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप जानते हैं CUET का रजिस्ट्रेशन डेट भी जो है वो एक्सटेंड हो गया था दोबारा से। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो न्यू रिवाइज्ड डेट्स हैं, 31 मार्च का आपके पास में नोटिफिकेशन वापस से आया था कि जो फ्रेश डेट्स हैं फॉर रजिस्ट्रेशन वो अब 31 मार्च प्रीवियस था, बढ़ा के 5 अप्रैल तक कर दिया था इन्होंने टिल 950, एंड देन जो ट्रांजैक्शन फ़ी था वो भी 5 अप्रैल तक 1150 तक इन्होंने बढ़ा दिया था, राइट। अब क्या है, आज हम 6 अप्रैल पे खड़े हैं और 6 अप्रैल पे क्या होना है, आज करेक्शन विंडो ओपन होनी है। रिमेंबर 6th and 7th अप टू 11:50 PM जो है वो करेक्शन विंडो ओपन होनी है, यानी कि अब आप अपनी कुछ डिटेल्स जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डेटा गलत आपने एंटर कर दिया है, सारी चीज़ें नहीं एडिट कर सकते बट काफ़ी सारी चीज़ें आप कर भी सकते हैं, लाइक मीडियम वगैरह जो आपने फिल किया होगा वो सब एडिट तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन बेसिक जो पर्सनल डिटेल्स और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनमें कुछ भी अगर आपने गलत फिल किया है तो एडिट हो जाएगा। तो एडिट तो हो जाएगा बट प्रॉब्लम ये है ना कि एडिटिंग के लिए करेक्शन विंडो का ओपन होना ज़रूरी है। कह तो दिया है 6th और 7th का करेक्शन इन पर्टिकुलर्स कर सकते हैं, लेकिन ये ओपन होएगा लिंक तभी तो कर सकते हो। अभी हम 5:30 हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, और 5:30 तक तो अभी ओपन नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन हो सकता है, मैं बोल रही हूँ कि हुआ नहीं है और इधर से हो भी जाए क्योंकि ये इवनिंग का टाइम है। जनरली इवनिंग 5 या रात के 9 बजे NTA थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस दौरान चेंजेस करते हैं, तो मेरे बोलते हुए पीछे से चेंज आ जाए तो अच्छी बात है, चेक करते रहना। फ़िलहाल तो ओपन नहीं हुआ है, आपको मैं बताऊँ कैसे क्या है इसका। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू शो यू इज, देखो हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले। तो लॉगिन के लिए एप्लीकेशन नंबर मेरे हाथ में है, मेरा वाला, तो आई विल जस्ट पुट इन मेरा। मैं बता दूं आपको, मेरा कंप्लीट नहीं है, ओके। सो ठीक है, दिस इज माई एप्लीकेशन नंबर एंड और सिक्योरिटी कोड, आई होप ये सीधा साधा है। तो आप ये देखिए, जैसे मैंने एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ डाली तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो अब करेक्शन अगर हो ना, मेरा तो चलो इनकम्प्लीट है, आपका यहाँ पर कंप्लीट शो होगा। तो अभी करेक्शन विंडो अगर ओपन होगा ना, तो यहाँ पर फॉर्म की यहाँ पर एक एडिट ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा, तो वो आप चेक करिए एडिट ऑप्शन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इफ़ इट इज़ ओपनिंग तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन दिखा देगा, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एडिट योर डेटा, तो चेक करते रहना, आज 6th है, जैसे ही ओपन हो जाएगा आप एडिट कर सकते हो। तो अभी अगर हो गया हो तो बढ़िया है, अभी मुझे तो शो नहीं हो रहा है, मैंने चेक कर लिया, नहीं दिखा रहा है अभी। आप लोग फिर भी कंटिन्यूसली देखते रहना, रात के 9 बजे एक बार और देख लेना, तो हो सकता, क्योंकि उन्होंने डेट दिया है तो करेंगे तो फॉर श्योर, ओके, बट हो सकता है लेटर ऑन करे, आराम से करे, तो वो एक बार देखते रहना। बट हाँ, आपका जो डेटा है वो आज और कल में एडिट करना है, ये फॉर श्योर है, इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, इन सब इन जगहों पे आप थोड़े से केयरफुल रहना, यहीं के थ्रू आप अपना डेटा एडिट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट, होप NTA opens the correction window and you are able to edit the data today. Thank you.